बीते कल हुई तेज बारिश के कारण डेरा बाबा नामक में होने वाले धार्मिक समागमों में रुकावट आ गई थी, लेकिन आज मौसम अच्छा होने की वजह से पंजाब सरकार की तरफ से एक पंडाल में श्री गुरु नानक देव जी के जीवन से संबंधित नाटक, कीर्तन और सोशल प्रोग्राम शुरू करवाया गया, जिसमें संगत भी भारी तादाद में पहुंचे। कैबिनेट मंत्री सुखविंदर रांधवा की तरफ से इस पंडाल में सभी प्रोग्राम शुरू किए गए। इसमें कीर्तन जत्थों ने कीर्तन किया और गुरुजी के जीवन काल की झांकियां पेश की। वहीं इस मौके पर मौजूद कवि सुरजीत पात्र ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि चाहे बरसात ने इन समागमों में रुकावट डाली है, लेकिन गुरु नानक के समागम रुक नहीं पाएंगे। करतारपुर लांघे के रूप में ऐतिहासिक फैसला हुआ है। यह लांघा खुलने से गुरु नानक नाम लेवा संगतों को पंथ से बिछड़े गुरुधाम के खुले दर्शन दीदार होंगे। जी सर, सर तुसी इत्थे आए हो, किस तरह के समागम लगे है? क्योंकि बरसात ने जूट वगैरह कि खलल पाया जी जी, पर तुसी आए हो, समागम भी शुरू हो चुके थे, बैठे से उत्थे, किस तरह लग रहा है? चलो, बरसात ने एक इम्तिहान ले लिया साडा, सो उसके बावजूद बहुत उत्साह है आने वाले विच ते करन वाले विच भी। तो अपने आप से एक बहुत विलखण मेला डेरा बाबा नानक विच पहली बार इन्ना मेला लग्या, और वड्डा कारण लांघा ही आ कि जिस लांघे ने बहुत बरसों तो तरसदिया संगतान एक करतारपुर साहब के गुरद्वारा साहब के दर्शन दीदार के मौके देने। तो मैं इस मौके को एक एम ही देखता कि सिर्फ लांघा एक लफज छोटा जहा, लेकिन ये अर्थ इस गलों बड़े आ कि एक तो है कि यह एक सुनेहा भी आ सांझ का प्यार दा। तो क्योंकि मुल्क बेशक दो हो जाते, पर मैं कभी कहा कि कंधा होन उत्ते मूर्तां प्यारियां भी होन, कंधा अन्नियां ना होन बूहे बारियां भी होन। सो एक एक सांझ भी साडे दोहां मुल्कां दी भी जोड़दा, सानू बाबे नानक नाल जोड़दा। बाबे नानक बारे एक असी शब्द गाउंदे हुंदे सी कि धन धन बाबा नानक जिहड़ा विछड़िया नूं मिलदा। सो ये लांघे ने विछड़िया नूं भी मिलिया। सो मैं दुआ करदा कि साडे दोहां देशां विचकार भी ये लांघा प्यार दा रिश्ता, अमन दा रिश्ता, मावां दे सीनियां नूं ठंड पाउण दा रिश्ता, सीनियां 'च गोलियां ना उतरन, सोहणियां तर्जां ते शब्द उतरन। सो इह दुआ करां। साझीवालता दा उपदेश दित्ता सी गुरु नानक देव जी ने, ते कितना किते जदों वी करतारपुर लांघा खुल दा काम शुरू होया तद तों ही राजनीति हुंदी रही इस काम ते, साझीवालता दा कितना किते नज़र नहीं आया उपदेश ते चलदिआं किसे वी राजनीति पार्टी दी। देखो, राजनीति दा हुंदा कि वोटां किस तरह वध लैणियां, सो वध फुटेज किदां लैणी कि कोई बेशक चंगा मौका होवे जां माड़ा मौका होवे, राजनीति इक अपने तरह दा काम करदी आ। तो सो मैं समझदा कि जिहड़ी राजनीति जे थोड़ी जी होर खरी हो जाए तो साडे मुल्क दा, इस दुनिया दा, साडा सब दा भविख बहुत अच्छा हो सकदा। पर इस सब कुछ दे बावजूद जिहड़े राजनीति विच भी कुछ अच्छे बंदे, अच्छियां रूहां, अच्छे दिल हुंदे आ। तो इस तों इलावा जिहड़े कवि, लेखक, साहित्यकार, वह अपना पैगाम जरूर दिंदे रहिंदे जिथे किते भी होण। सो ये असी जानी राजनीति दा एक तरह जो गुरु नानक साहब ने अपने वेले बारे लिखिया तो किन्ने सख्त शब्दां च लिखिया। सो एक है कि जिहड़ी राजनीति तों बिना सरदा भी नहीं, क्योंकि राजनीति ने ही देश नूं बदलना, पर खोटी राजनीति और खरी राजनीति च फर्क हुंदा। सो असी खरी राजनीति दी आस करदे हां, और असी इस मौके ते खास करके मैं महसूस करदा कि साडे सियासतदान भी सियासतदाना विच जो जो ये सोचने वाले आ, अच्छे भविख पर सोचने वाले आ कि उन्हां दा प्रजा नाल, लोकां नाल रिश्ता, और ये सारे इस मौके ते खास करके असी गुरु नानक साहब दे प्रकाश पुरब ते एक अरदास भी करिए, अहद भी करिए कि असी अपनी खुदगर्जियां तो पार जाके देखना ये सारे कुछ नूं, और इस देश नूं, इस प्रांत नूं, इस दुनिया नूं होर सोहनी बनाउण दी कोशिश। पुलिस कॉलेज स्कूल के बच्चे
ਹੈ।